सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबा देना। ऐसा करने से आप मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकेंगे। हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, किसी ने खूब कहा है, सवेरा होने से पहले एक काली और घनी रात आती है। आपकी जिंदगी भी इसी तरह है। कभी आपको कामयाबी मिलती है तो कभी आपको हार का सामना करना पड़ता है। इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपनी जिंदगी में कितनी बार हार का सामना किया है। फर्क इस बात से पड़ता है कि हार के बाद आप कितनी बार दोबारा उठ खड़े हो गए। जिंदगी में एक बात याद रखना, सफलता उस इंसान को मिलती है जिनके सपने उसके बहाने से बड़े बन जाते हैं। जो लोग बहाने बनाकर काम को टालते रहते हैं, वे लोग सफलता से दूर होते चले जाते हैं। आप अपनी जिंदगी में कई बार खराब सिचुएशन से गुजरे होंगे और आपको आगे भविष्य में भी खराब सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा। मैं तो आपसे यह कहूंगा, जिंदगी में हार मिलना या असफलता का सामना करना आपकी जिंदगी का अंत नहीं है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपको आने वाले समय में भी हार का सामना करना है। हार बस एक भटकाव है। जो भटक गया वो भटक गया, जो संभल गया वो संवर गया। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे समय में क्या करें क्या ना करें। आपको दोबारा कोशिश करने में बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। दोबारा सपने देखने से भी मत घबराओ। आपको टूटना नहीं है, आपको दोबारा खड़े हो जाना है। इस बात को ध्यान से समझना। आपको आपकी जिंदगी में सबसे अच्छा लेसन आपकी खराब स्थिति ही सिखाती है, आपकी असफलताएं ही सिखाती है। इसलिए अपनी असफलता पर दुखी मत होना, क्योंकि असफलता का मतलब होता है कि आप कुछ नया सीखने वाले हैं। मैं समझ सकता हूं कि जिंदगी में सबसे मुश्किल समय वह होता है जब हम किसी टूटे हुए और घबराए हुए इंसान को गले लगाते हैं, जबकि उस वक्त हमारी आंखें ऐसे इंसान को ढूंढती है जो हमें गले लगा सके। जिंदगी में सबसे मुश्किल वक्त वह होता है जब हम किसी दूसरे इंसान की आंखों से आंसू पोंछते हैं, लेकिन हमारी आंखों से आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होता। जिंदगी में सबसे मुश्किल वक्त वह होता है जब लोग हमें अपने दुख दर्द के बारे में सुनाते हैं, लेकिन हमारे दुख दर्द सुनने वाला कोई भी नहीं होता। आपकी सभी समस्याओं का एक ही हल है और वो है गेट अप अगेन, दोबारा खड़े हो जाइए। थैंक यू। अब आप ऑडियो के साथ फ्री में किताबें सुन सकते हैं। एक महीने के लिए दो किताबें फ्री। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।